व्हाट्स अप गाइस, हिंदी नॉलेज शो चैनल से एक वीडियो है। एम का तो सबका गुरु निकला, एम का आपको बताइए फाइटर जेट, तो ऐसा क्या कर दिया, मतलब क्या न्यूज है डीआरडीओ की तरफ से, और लिखा है एम का ने चीन रूस को पीटा, एम का पे महाखुलासा। ओ भाई साहब, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। रात के 10:15 पर लाइव स्ट्रीम भी होती है, गेम खेलते हैं बीजीएमआई खेलते हैं 10:15 पर। और हमारा दूसरा चैनल भी दीपक के अलावा, उस पर भी रिएक्शन एंड ब्लॉग्स आते हैं, सब्सक्राइब। 1 2 3 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, खेला हो चुका है और ये खेला हुआ है रूस और चीन के साथ, और ये कोई छोटा मोटा नहीं हुआ है, आने वाले 20 से लेकर 22 सालों का खेला इन दोनों के साथ हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके बावजूद कि रूस के पास भारत से बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, चीन के पास भारत से ज्यादा पैसे और संसाधन है, तब भी भारत ने दोनों को कूट दिया है। जी हाँ, लिटरली कूट ही दिया है। और अब हालात ये हैं कि मैदान में मेन दो ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, भारत और अमेरिका। बाकी सब या तो कोई इन दोनों देशों से 10 साल पीछे है या फिर 20-25 साल पीछे है, लेकिन आगे की हम बात करें तो इन दोनों से आगे कोई नहीं है। अब भारत अमेरिका के बीच ही आखिरी टक्कर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले। दरअसल दोस्तों, कल दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी रूस और चीन की तरफ से। बताया गया कि रूस और चीन दोनों अपने जो पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जैसे कि रूस का SU-57 है और चीन का J-20 है, ये अपने लड़ाकू विमान का एक नया वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। पांचवी पीढ़ी का ही होगा वो भी, और वो डबल सीट वाला होगा और डबल इंजन वाला होगा। और दोनों नए वेरिएंट क्यों बना रहे हैं, कारण उसका यह है कि दोनों का ही जो पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है SU-57 और J-20 दोनों ही फेल हो चुके हैं, दोनों ही पांचवी पीढ़ी के नहीं है, दोनों ही स्टेल्थ नहीं है। इसके अलावा लगातार दोनों ही लड़ाकू विमानों में बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। ऐसे में एक नया वेरिएंट तैयार कर रहे हैं जिसमें जो पुराने लड़ाकू विमान है उसकी खामियों को दूर किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है जैसे ही दोनों की तरफ से ये चीजें क्लियर हुई कि जी अब दोनों ही देश, चीन और रूस, कम से कम 2030 तक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर ही काम करते रहेंगे 2030 तक। वहीं हम बात करें इनके कंपैरिजन में, भारत और अमेरिका दोनों इस समय अलग लेवल पर हैं। खासकर की मैं बात करूं तो भारत की, भारत का जो एमका लड़ाकू विमान होगा वो एक तो पहली बात डबल इंजन होगा, दूसरी बात उसमें सिंगल पायलट की जगह होगी। हालांकि आप कहेंगे कि चीन का और जो रूस का है वो तो डबल पायलट वाला है, तो ऐसे में तो हमारा पीछे रह जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा है। देखिए, जो चीन का J-20 होगा ना, उसमें दो पायलट क्यों बैठेंगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एडवांस नहीं होगा, उसे पूरे लड़ाकू विमान को हैंडल करने के लिए एक पायलट चाहिए होगा, फिर उसके पीछे को पायलट बैठेगा जो पूरे आर्मामेंट को कंट्रोल करेगा। लेकिन एमका इतना ज्यादा एडवांस होगा कि उसके अंदर बैठे पायलट को बस इशारा करना है, बाकी का काम लड़ाकू विमान पूरी तरीके से संभाल लेगा। जो अंदर बैठा पायलट है बस उसे सोचना है कि इस मिसाइल को फायर करना है, बाकी का काम जो एमका के अंदर टेक्नोलॉजी है वो खुद करेगी। इसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, एमका का जो सेकंड वर्जन आएगा ना, उसमें तो ये भी ऑप्शन होगा कि आप उसे बिना पायलट के भी उड़ा लो। जी हाँ, ये कैपेबिलिटी वो लेकर आने वाला है। इसके अलावा जो स्टेल्थी लेवल है वो भी कहीं ज्यादा बेहतर होगा। भारत जिस रफ्तार से इसे बना रहा है, पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से लेकर 3 साल के अंदर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आने वाले 4-5 साल के अंदर भारत पूरी तरीके से चीन और रूस को लड़ाकू विमानों की रेस से बाहर ही कर देगा। हालांकि कई लोग कहेंगे कि रूस तो SU-41 भी बना रहा है जो छठी पीढ़ी का होगा, लेकिन आपको बता दूं कि उसके बनने की संभावना कम से कम 2040 तक है। 2040 तक तो भारत एमका का तीसरा वर्जन बना लेगा जो 6.5 जनरेशन का होगा। ऐसे में भारत यहां पर अब चीन और रूस से टक्कर नहीं ले रहा है, ये तो अब कंपटीशन से ही बाहर है। भारत की जो असली टक्कर है अब अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका भी FAXX नाम का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। देखिए, इसका पूरी तरीके से श्रेय जाता है भारतीय वैज्ञानिकों को, DRDO को, EDA को, और इसके अलावा कुछ हद तक भारतीय सरकार को भी, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर स्पेशली जिस हिसाब से सरकार ने फंडिंग करी है एमका की, जिस हिसाब से इसकी प्लानिंग करवाई है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसी ने एमका की बनने की रफ्तार को लगभग 4 गुना से भी ज्यादा तेज कर दिया है, वरना लग ऐसा रहा था कि एमका 2030 के बाद ही तैयार होगा, लेकिन अब
ऐसा लग रहा है कि 2030 तक भारत इसका सेकंड जनरेशन भी तैयार कर लेगा जो छठी पीढ़ी का होने जा रहा है। तो इस समय भारत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम यही यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलती जाए, एक दिन हम अमेरिका को भी बीट कर दें। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सोशल मीडिया। बात तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी कि जैसे उनका G20 है, Su-57 है, तो उनको देख, उनका भी मतलब उनको अब दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा उनको फिफ्थ जनरेशन के लिए, प्लस उसमें को पायलट और वैसा बना रहे हैं। 2030 तक तो सेकंड वो भी आ सकती है। वो तो एमका का सेकंड वर्जन आ जाएगा। और एमका ऑलरेडी मतलब जो फंडिंग गवर्नमेंट ने जो मिलिट्री पे जो फंडिंग शुरू करी ना, वो जो था ना जो है वो खुद काम करेगी, जो ऑटो पायलट अगर मतलब वो कह रहे हैं वो ऑटो पायलट भी बना सकते हैं। हाँ, उसका आगे वाला वर्जन। हाँ। अभी तो जो बनेगा वो सिंगल पायलट होगा, ड्यूल इंजन होगा, तो वो चीज देखना सिंगल पायलट तो उस इतनी एआई एडवांस इतनी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि उसको बस मिसाइल को दागना है कि यहाँ अटैक करना है। ऐसा नहीं होगी एक पायलट उड़ाएगा और एक को बाकी चीज संभालनी होगी, को पायलट। और प्लस जो टेक्नोलॉजी DRDO को बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है बहुत ही मेहनत करते हैं इस चीज़ में, प्लस जो गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी शुरू करी है ना। हाँ। बहुत ही बढ़िया, मतलब कि पिछले 5 से 10 साल के अंदर अंदर जो अपने डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही उसमें पैसा लगा रही है। और प्लस उनका ये है कि देखो मिलिट्री जिस देश की पावरफुल होगी वो देश उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को दूसरों के आगे। और अमेरिका ऑलरेडी 6th जनरेशन में काम कर रहा है, अमेरिका तो बाज नहीं आता। अमेरिका तो भाई साहब अपने, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इंडिया एक दिन सुपर पावर जरूर बनेगी। और हाँ। इतनी सुपर पावर है कुछ नहीं पता कि सबसे आगे भी निकल जाए, टाइम को कुछ नहीं पता। और बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है और मेहनत भारत बहुत कर रहा है। हाँ। और ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग थी एमका से रिलेटेड। तो भाई इसके बारे में आप कुछ भी शेयर करना चाहते तो बताना जरूर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।